कल एक 2.5 महीने की बच्ची को दिल्ली महिला आयोग ने रेस्क्यू करा है। इस बच्ची के अपने ही पिता ने 40,000 रुपए में सिर्फ इसलिए बेच दिया क्योंकि उनके पास और भी 2 बेटियां थी। इस बच्ची को पिछले 2.5 महीने में अलग अलग जगहों पे बेचा गया है। जब हमें पता चला हमारी महिला पंचायत द्वारा कि ऐसे एक लड़की को बेचा गया है, तुरंत हम लोगों ने एक टीम गठित करी, दिल्ली पुलिस को सूचना दी और दिल्ली पुलिस को साथ लेकर कल पूरी रात हमने 4 अलग ठिकानों पर जाके छापेमारी करी है। इस पूरे ऑपरेशन में लड़की तो बची ही है, साथ में 4 मानव तस्कर भी अरेस्ट हुए हैं और लड़की के अपने पिता भी अरेस्ट हुए हैं। मैं दिल्ली पुलिस से अपील करती हूं कि अरेस्ट हो गया, FIR हो गई, पर साथ में इस मामले के तह तक जाना जरूरी है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा रैकेट है जो कि बच्चों को बेचता है। इन लोगों ने और पहले कितने बच्चों को बेच रखा है इसको भी पता लगाना जरूरी है और वो जितने भी बच्चे हैं उनको भी वापस ढूंढ के लाना जरूरी है। इस लड़की की और इस लड़की की बहनों के पुनर्वास के ऊपर दिल्ली महिला आयोग काम कर रहा है। हम लोग 24 घंटे सातों दिन काम कर रहे हैं जिससे कि दिल्ली में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित हो सके।